सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी कुछ जिज्ञासाओं को लेकर के आया हूँ। एक जिज्ञासा है कि ईश्वर स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है। इस्लाम, यहूदी और ईसाई में तो ये पुरुष है, तो कृपया शास्त्रीय प्रमाण सहित बताएं। ऐसा है कि पहले ये समझिए कि स्त्री पुरुष और नपुंसक ये जो है लिंग है। लिंग का मतलब क्या होता है? लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। तो चिन्ह का मतलब हो गया कि भाई कोई पहचान होती है। हम लोग स्त्री को पहचानते हैं, पुरुष को पहचानते हैं, उसमें जो भेद होते हैं उसके कारण। उसी तरह से नपुंसक को पहचानते हैं, उसमें जो भेद होते हैं उसके कारण। तो ये जो चिन्ह होते हैं, इसका मतलब हो गया कि ये आकार है। चिन्ह जब भी होगा तो आकार होगा। तो यदि परमात्मा को कोई आकार मानता हो तो कोई चिन्ह किस बात होती है? तो वे तो यहां वैसे तो कहते हैं कि इस्लाम में कहा गया कि ईश्वर तो निराकार है। कई कई वे साकार भी कर रहे हैं, कमर है, बैठ रहे हैं तो बात कर रहा है, पर्दे के पीछे से मोहम्मद बात कर रहे हैं, तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। लंबाई उम्बाई भी सब तक भी दी हुई है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, देखना और सजा देना, इनाम देना, अजाब लाना, तमाम तरह की जो बातें हैं वहाँ, तो ईश्वर को वो कहीं कहीं पर निराकार बोलते हैं, फिर उसके बाद लेकिन सिद्ध हो जाता है आकार। उसी तरह से ईसाई में भी वही है, ईश्वर को आकार ही मानते हैं वे, तभी तो कहते हैं पुरुष हैं। तो वहां भी उनको पुलिंग ही कहा गया, फादर ही कहा गया है, सबका फादर है वो। तो फादर कहा गया यानी पुलिंग बना दिया गया, वही हाल यहूदियों का भी है। तो ये ईश्वर को ऐसा मानते हैं। लेकिन जहाँ तक सनातन धर्म की बात है, सनातन धर्म में ईश्वर को ये तीनों लिंग का होते हुए लिंगों से परे भी मानते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में ईश्वर को अनंत माना गया है। वहाँ वे यहूदी, ईसाई और इस्लाम में ईश्वर अनंत नहीं है। अनंत शब्द वहां कभी प्रयोग नहीं किया गया ईश्वर के लिए। यह एक बहुत बड़ी भिन्नता है। तो जब अनंत हो गया तो इसका अर्थ हो गया कि वह स्त्री भी हो, पुरुष भी हो, नपुंसक भी हो और इन लिंग से परे भी हो। जब वह निराकार की स्थिति को प्राप्त है तो वह लिंग भेद से परे होना चाहिए, और जब आकार में आता है तो जिस भी आकार में आएगा तो उसमें हो जाएगा। वह पुरुष में का चिन्ह चाहे तो पुरुष में ले ले, स्त्री का चिन्ह चाहे तो स्त्री का चिन्ह ले ले, नपुंसक का चिन्ह चाहे तो नपुंसक ले ले। वह किसी भी लिंग में हो सकता है और इन सभी लिंगों से परे हो सकता है। यही सनातन धर्म का ईश्वर संबंधित लिंग के विषय में विवेचना है। अब मैं आपको इस विषय में वह बताता हूँ। देखिए, गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट बताया है, अध्याय 9 के 18 में ये बताया गया है कि जो पुरुषोत्तम की बात की है, पुरुषोत्तम ईश्वर को ही कहते हैं, पुरुषोत्तम, और वहाँ पर उन्होंने बताया है कि मैं ये सभी हूँ, अर्थात पुरुष भी हूँ, स्त्री भी हूँ, नपुंसक भी हूँ, इन सभी का वहां पर स्पष्ट वर्णन चित्रण किया गया है। तो यह जो है, जब वह मान रहे हैं प्रमाण की बात तो पूछ रहे हैं कि प्रमाण चाहिए, तो प्रमाण मैं आपको दिखा देता हूं ताकि
ऐसा नहीं लगे कि आपको मैं पूरा प्रमाण दिखा दूंगा। तो अध्याय 9 के 18वां श्लोक जो है गीता का, उसमें कह रहे हैं भगवान, गतिर भर्ता प्रभो साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। अर्थात वो अपने विषय में कह रहे हैं कि मैं ही जो हूं गति हूं, यहां पर स्त्रीलिंग का प्रयोग हो गया है, गति हूं मैं ही, भर्ता हूं अर्थात पालक हूं, तो यहां पुरुष का प्रयोग हो चुका है पुलिंग का, मैं ही प्रभु हूं यानी सबको उत्पन्न करने वाला भगवान हूं, साक्षी हूं मैं ही, निवास हूं मैं ही, शरण हूं शरण स्थली हूं, तो यहां नपुंसक लिंग हो गया प्रयोग, शरणम नपुंसक हो गया। तो गति जो है स्त्रीलिंग के लिए आ गया, भर्ता पुलिंग के लिए आ गया, और शरणम जो है नपुंसक लिंग के लिए आ गया, और मैं ही सृष्टि हूं, मैं ही प्रलय हूं, मैं ही वो स्थान हूं, मैं ही निधान हूं आश्रय हूं, और मैं ही सभी का बीज अर्थात कारण हूं, और मैं अविनाशी हूं अव्ययी हूं। तो यहां पर भगवान ने तीनों लिंग का प्रयोग करके सिद्ध कर दिया है कि जो पुरुषोत्तम हैं वे तीनों लिंग के हैं और इन लिंगों से परे भी हैं। तो इस तरह से यह गीता का स्पष्ट प्रमाण है। और सिर्फ यही नहीं, क्षर और अक्षर के विषय में भी भगवान ने कहा है, यानी ये जो क्षर अर्थात ये जो संसार है वह, और अक्षर जीवात्मा है वह, इनके विषय में भी कहा है कि ये भी तीनों ही लिंग के हैं और इससे परे भी हैं, यानी इस संसार के विषय में कहा है। जैसे कि आपका 15वां अध्याय का 16वां जो श्लोक है उसमें वो क्षरह कहा है पुलिंग के लिए इस संसार को, अपरा कहा है 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में स्त्रीलिंग के लिए, और महद ब्रह्म कहा है यानी नपुंसक लिंग कहा है 14वें अध्याय के 3रे-4थे श्लोक में। तो इस तरह से उसी तरह से अक्षर कहा है जीवात्मा के लिए, तो वो अक्षर से बेहतर जीव भूतः कहा है 15वें अध्याय के 7वें में, यह जो है आपका पुलिंग के लिए है, और जीव भूताम कहा है 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में स्त्रीलिंग के लिए, और अध्यात्मम कहा है 8वें अध्याय के 3रे में यानी नपुंसक लिंग के लिए। तो जीवात्मा है चाहे परमात्मा है चाहे प्रकृति है, इन सभी को जो है यह तीनों लिंग वाला बताया गया है, इसके परे बताया गया। अब आपको प्रमाण दे देता हूं उपनिषद से, श्वेताश्वतर उपनिषद जो है उसका अध्याय 5 और कारिका 10 में स्पष्ट बताया गया है कि नैव स्त्री, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा इसमें, नैव स्त्री न पुमनेश न च एवयम नपुंसकः यत् यत् शरीरं माद्यते तेन तेन स रक्षते। तो इसमें यह कहा गया है कि न वह स्त्री है न पुरुष है, नैव स्त्री न पुमानेश, पुमानेश मतलब पुलिंग पुरुष, तो न वह स्त्री है न पुरुष है, न चाहे वयम नपुंसक और न ही वह नपुंसक है, वह जिस जिस शरीर को धारण करता है यत् शरीरम माद्यते वह उसकी रक्षा करता है अर्थात उस लिंग का वह हो जाता है। यह श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय 5 कारिका 10 में स्पष्ट है। तो आपको प्रमाण मिल गया, यहाँ पर स्पष्ट कहा गया। इसलिए देखेंगे आप कि हम लोग के यहाँ देवी भी हैं, देवी दुर्गा हैं, तो देवी की आराधना होती है, तो आदि शक्ति हैं, तो वहाँ आराधना होती है, वहाँ पर ईश्वर जो हैं वो स्त्रीलिंग के रूप में भी आपको उभर जाएंगे। तो ईश्वर यहाँ पर लिंग का मतलब नहीं होता है, लिंग क्या है, लिंग तो एक दृष्टि है, एक चिन्ह है, चिन्ह जब आकार होगा तभी चिन्ह होगा, उसके पहले चिन्ह क्या है, चिन्ह तो वो चिन्ह से परे हो जाते हैं। तत्व में वास्तव में जो तत्व है निराकार तत्व है, तत्व में कोई लिंग नहीं होता है, वो लिंग से परे है, लिंग तो आकार की स्थिति में होता है। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे।
हरि ओम।